चार मैं पारुल और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी के कासगंज में विगत चार दिन पूर्व हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए आज पुलिस ने चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं लुटेरों के पास से एक लूटे हुए मोबाइल, नकदी, तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। वहीं कासगंज सदर क्षेत्र अधिकारी जीत कुमार पंत ने बताया कि लुटेरे अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के चलते लूट की घटना को अंजाम देते थे। बता दें कि 1 जनवरी को 3 अज्ञात लुटेरों ने एक व्यक्ति को तमंचा दिखाकर मोबाइल, पर्स और नकदी लूट ली, जिसकी शिकायत लूट का शिकार हुए गुलशन गौड़ पुत्र अमन देव निवासी चांडी चौराहा कासगंज में सदर कोतवाली में अज्ञात लुटेरों द्वारा लूट की घटना की एक FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद कासगंज MSP रोहन प्रमोद बोत्रे ने लुटेरों की तलाश कर टीमें गठित की। दिनांक 1 जनवरी 2022 को एक सूचना मिली कि गुलशन गौड़ पुत्र से अमन गौड़ अपने घर के पास जा रहे थे। 3 अज्ञात व्यक्तियों ने उनका कट्टा दिखा के उनका पर्स, उनका फोन लूट लिया। थोड़ी देर बाद एक और राहुल नाम के पत्रकार आए, उनका भी मोटरसाइकिल से जाते समय पैदल वो बात करते हुए जा रहे थे। इन 3 लोगों ने इनका मोबाइल फोन लूट लिया। इस सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई, सर्विलांस टीम को लगाया गया। SP महोदय के निर्देशन में टीम गठन हुई, मेरे द्वारा प्रयास किया गया, टीमें लगी सर्विलांस में। ये 3 बच्चे ट्रैप हुए, जिनसे लूट की रकम 2600 रुपये, मोबाइल और 4 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से 2 कट्टे और 3 कारतूस भी बरामद। सर, इनका आपराधिक इतिहास भी है कुछ? ये लोग इसमें कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ पहली बार ये संज्ञान में आया। इनका जांच चल रही है, अभी और रिकवरी होने की संभावना है। इनके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इनके द्वारा कई घटना किए जाने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, शीघ्र ही और मामले बड़े खोले जाए। लूट क्यों करते थे ये लोग? ये लोग 2 बच्चे इसमें पढ़ने वाले हैं और इनकी अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह हैं, इनका ये अपना खर्चा चलाते थे। मोटरसाइकिल, ये बताते कि इन्होंने मोबाइल बेच के एक मोटरसाइकिल ली और उसके अलावा इस मोटरसाइकिल की रिपेयर वगैरह के लिए इनको पैसे की जरूरत थी। वो डेली के जो शौक इनके होते हैं उनको पूरा करते हैं। इनके पास महंगे महंगे मोबाइल फोन है जो इनके द्वारा। थैंक यू सर। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ प्रदेश समाचार। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।